अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज जो है बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, आपको एक चीज़ दिखानी है। वो चीज़ मैंने भी आज देखनी है, काफ़ी दिनों से मैंने भी नहीं देखी। काफ़ी दिनों से गाइस हमारे व्लॉग नहीं थे आ रहे, तो इस वजह से आपको नहीं बताया गया कि हमने क्या चीज़ रखी हुई है। तो वो यहाँ पर नहीं है, वो हमारे फार्म हाउस पर है। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से फार्म हाउस, वहाँ पर आपको जाके दिखाता हूँ। उससे पहले जो है मुझे यहाँ पर सब कुछ चेक करना है। दाना पानी हो गया ना यार? ये नेस्टिंग इनको इतनी दी है गाइस। हाँ गाइस यार, काफ़ी दिनों से जो है हमारे डव्स यहाँ पर हैं, इन्होंने ना अंडे दिए ना बच्चे, कुछ भी नहीं है यार, बस बैठे ही रहते हैं, खाते पीते हैं। नेस्टिंग इनको पहले भी मैंने दी है तुम। तो गाइस अभी जो है हम चलते हैं अपने फार्म हाउस पर, वहाँ पर जो है हमें तूड़ी भी लेनी है। वहाँ पर तूड़ी पड़ी हुई है काफ़ी सारी, जो हमारे गाय भैंसे हैं ना उनके लिए यूज़ होती है। तो मैंने सोचा कि तूड़ी लाकर जो है ना यहाँ पर हमें बिछानी चाहिए, क्योंकि जो इनका ज़मीन है ना, मिट्टी है वो सारी, और बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, और इनसे जो इनको ठंड भी लग सकती है। तो आज जो है तूड़ी बिछाएंगे, और इंशाल्लाह कल के लॉग में जो है यहाँ पर हमने जो है प्लास्टिक भी लगाना है शॉपर, जो कि इनको अंदर अच्छे से हीट रखेगा और गर्म रखेगा। अरे इसके काम देखो, ये हमारी मुर्गियों को हार्ट अटैक देगा, क्यों तंग करता है। चल यार आज चलते हैं, चलो यार जाके अपने जो सरप्राइज़ है गाइज आप लोगों के लिए, आपको पता तो चल गया होगा कि क्या चीज़ है, पर अभी आपको जाके दिखाते हैं कि क्या चीज़ है, बताऊंगा नहीं मैं। तो चलते हैं फटाफट और जाके आपको दिखाते हैं। तो गाइज फार्म हाउस पर हम पहुंच चुके हैं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं जो हमारा सिक्योरिटी डॉग है। तो वो रहा सामने, वो आ चुका है, देखिए माशाल्लाह से कितना ये क्यूट डॉग है। तो अभी जो है मैं आपको इसकी नस्ल भी बताऊँगा, और ये देखिए कैसे खेल रहा है, काट रहा है, खेल रहा है, ये बड़ा ही मिस करता है हमें। जब भी हम यहाँ से जाते हैं ना वापसी हैं, तो ये बड़ा ही खेल कूद करता है हमारे साथ। आ जाओ उस तरफ ले आओ इसको, उस तरफ आ जाओ, खुद ही आओ, खुद ही पीछे आएगा। यार ये बड़ा अच्छा खेलने के मूड में है अभी। ओ बस 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 बस। यार ये बड़ा ही माशाल्लाह क्यूट डॉग है इसका गाइज, ये अफगान कोची नस्ल है इसकी, और ये काफ़ी माशाल्लाह अच्छी नस्ल है। मैं अभी आपको इसकी यहाँ पर आपको पिक नज़र आ रही होगी, ये इसके बड़ी उम्र की पिक है, यानी जब ये फुल बड़े हो जाते हैं ना तब इनकी ऐसी बॉडी बनती है, और अभी तो ये छोटा है माशाल्लाह से, पर अभी बहुत ही क्यूट है यार। अजीब ही गंदा करेगा मुझे ये, आराम से बैठो, सिट सिट बैठ। वो देखो बड़ा यार खेलने के मूड में है ये अभी। यार इसका नाम गाइज अभी तक हमने नहीं फाइनल किया, आपने इसका कमेंट में हमें नाम भी बताएं कि हम इसका क्या नाम रखें। और माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी डॉग है यार, अच्छे से देखें कितना क्यूट खेलता है ये। इसके जो गाइज जहाँ से आया ना, उन्होंने इसके जो है ना कान काट दिए, और इसकी जो दुम थी ना वो भी काट दिए, देख रहे हैं आप इसकी दुम कटी हुई है, इसके कान भी कटे हुए हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गए हैं। पहले जो है ना बिल्कुल ज़ख्म बना हुआ था, तो अब जो है ठीक हो गए, क्योंकि ये लोग जो है ना उन्होंने जिनसे हमने लिया था ना उन्होंने ही काटे थे पहले से, उसकी जूती खा रहा है। तो पता नहीं यार ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, पर कहते हैं कि इससे इनकी खूबसूरती होती है, पता नहीं क्या होता है, कान को ऊपर से ना ऐसे काटे हुए थे। ओए ओए काट रहा है उसे, कपड़े बचा के इससे, बाकी गंदा करेगा ये, भागो इससे दूर। तो गिरेगा इधर, इसके साथ मैं रेस लगाता हूँ। अबे पकड़ो तो सही से, मेरे कपड़े नहीं छोड़ रहा, उसकी तरफ जाओ ना। Thank you.
सिट, देखो गाइस ट्रेन भी है। चिट 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 चिट, हां इसे शाबाश, बिस्कुट दो भैया इसे, बैठ जा सिट, ऐसे बैठ रहा है, सिट सिट। मैं नहीं मानता। ओ देखो भाग गया, वॉशरूम करने गया यार इसने, हाय खराब कर दी भगा भगा के, वही कपड़े भी गंदे कर दिए इसने, इसे तो नहाना पड़ेगा। तो गाइस ये है हमारा सिक्योरिटी डॉग, ये गाइस हमने फार्म हाउस पर रखा है, घर पर हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि हमारे रिलीजन में जो है ये अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर हमने एज अ सिक्योरिटी रखा है इसको, तो यहाँ पर ये जब ये बड़ा होगा ना तो किसी को पर नहीं मारने देगा यहाँ पर, तो भाई ये पूरी रात खुला रहा करेगा, हाँ। सिर्फ और सिर्फ ये रात को ही खुलेगा और दिन टाइम ये ऐसे हम बंद रखा करेंगे। और लेटने को नहीं कहा, कह रहा है मुझे गुदगुराओ। गाइस इसको अभी हम छोड़ देते हैं अपने हाल पे, तो अभी जो है हम यहाँ पर जो लेने आए हैं ना तूड़ी, गाइस किसी गाड़ी को लेके आता हूँ मैं और उसमें जो है हम तूड़ी लोड करते हैं और उसको घर लेके चलते हैं, घर पर अभी शाम होने वाली है। अब तो गाइस शाम बहुत जल्दी हो जाती है, अभी 4 भी नहीं बजे पूरे और देखिए सूरज बिल्कुल गरूब होने वाला है, तो फटाफट चलते हैं इससे पहले कि रात हो जाए, तो हमें घर में तूड़ी भी चाहिए। वो तो चले गए यार। तो गाइज यहाँ पर जो है तूड़ी हमें लेनी है, तो तूड़ी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर पड़ी है। और यहाँ पर गाइज आप सोच रहे होंगे कि गाय भैंसें बकरियाँ वगैरह किसकी हैं, तो यार ये मेरे भाई हैं, उनका शौक है ये, उन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं। हमारा जो घर का दूध वगैरह होता है ना वो सब यहाँ से ही आता है, तो ये यहाँ पर हमने एक सेपरेट जगह रखी है, वो साइड हमारी गेस्ट एरिया है, और ये जो है ना ये एक तरह से हमारा डेयरी फार्म समझ लें आप इसे। और यहाँ पर देखें बकरियाँ भी कितनी सारी हैं, यहाँ पर देखें एक बकरा है और उनके साथ इतनी सारी बकरियाँ हैं, माशाल्लाह से ये भी काफ़ी यहाँ पर हेल्दी ग्रोथ कर रही हैं, और ये और इनको यहाँ पर जो है ठंड से बचाने के लिए अच्छे से कवर भी किया हुआ है हर तरफ से। यार ये एक कमरा तूड़ी का, और ये तोड़े जो है ना इनमें से हमें को 3-4 लेके जाने हैं साथ, तो अभी जो गाड़ी आ रही है उसमें ये लोड करवा के साथ लेके जाएंगे। तो गाइस हमारी जो तूड़ी है वो हमारे आगे आगे जा रही है और हम उसके पीछे पीछे ही हैं, तो अभी फटाफट घर जाके आपसे मिलते हैं। इस भाई अब चले गए, अब तूड़ी यहाँ पर उन्होंने उतार दी है, तो अब जो है हमारा काम है इसको हर तरफ बिछाना, जो कि काफ़ी मुश्किल काम होने वाला है क्योंकि ये बर्ड्स जो है हमें तंग करेंगे यहाँ पर, अच्छे से बिछाने नहीं देंगे, तो फिर भी कोशिश करते हैं फटाफट जो बिछा देते हैं ताकि इनको जो है ठंड ना लगे, क्योंकि यार ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो गाइस तूड़ी बिछाने से पहले हमें जो है इन सब बर्ड्स को बाहर निकालना है यहाँ से, क्योंकि ये फिर डिस्टर्ब करेंगे हमें, तो फटाफट जो है इनको निकाल देते हैं बाहर। चलो जी बाहर, शाबाश शाबाश, चलो 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 जल्दी जाओ बाहर चलो। तो यार हमने ये वाले केजेस के अंदर जो है तूड़ी बिछा दी है, फटाफट अब टर्की बर्ड्स को अंदर लेके चलते हैं। इनका ये वाला केज नहीं है, दूसरा वाला केज है। गैस हमने ये वाली साइड थोड़ी थोड़ी खाली रखी है क्योंकि यहाँ पर जो है जब घर का फर्श वगैरह साफ हो रहा होता है तो पानी जो है ना यहाँ पर आता है, तो ये जो है ना ये नाली सी बनी हुई है, तो यहाँ से पानी वहाँ चला जाता है, तो यहाँ पर मैंने सोचा तूड़ी डालने का फ़ायदा नहीं है, तो सिर्फ उसी साइड पर रखी है हमने। चलो भाई इधर गाइस, टर्की बर्ड्स आ चुके हैं अपने घर के अंदर, और आप देखें ये लोग इसके अंदर मुंह मार रहे हैं और ये काफ़ी खुश लग रहे हैं मुझे एक तरह से, तो अब यहाँ पर यार ये है कि ठंड नहीं लगेगी इन्हें, थोड़ा गर्म रहेंगे ये लोग, तो अब जो है मोरनियों को अंदर छोड़ते हैं। ले आ ले आ ले आ, ये ले मैं दूर हो रहा हूँ, ले आ ले आ ले आ। गाइस हमारी मोरनियाँ भी यहाँ पर खुश रहेंगी गर्म रहेंगी, तो अभी इनको जो है बंद कर देते हैं।
तो गाइस फाइनली जो है मुर्गियों के लिए भी हमने तूड़ी बिछा दी है अच्छे से, हर तरफ देख सकते हैं आप। अब ये भी जो है यहाँ पर ठंड नहीं लगेगी इनको। तो अब जो है मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो फटाफट ये थोड़े यहाँ से उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से भाई। अब इनको अपने हाल पे छोड़ते हैं, शाम हो चुकी है, तो फटाफट जो है तरपाले सारी नीचे करते हैं क्योंकि अब ठंड बढ़ रही है। तो तो गाइस हमारे सारे परिंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस तूड़ी के अंदर, वहाँ पर मुर्गियाँ जो हैं वो भी तब से खेल रही हैं। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे चलो नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, भूलना नहीं है।